1980 के दशक में भारत में गिद्धों की संख्या करीब 80 मिलियन थी, यानी 8 करोड़। 2016 में इनकी संख्या 40,000 से भी कम हो चुकी थी। अगर किसी भी पक्षी प्रजाति की संख्या में सबसे तेजी से हुई कमी से तुलना की जाए तो ये सबसे ज़्यादा थी। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी हैं और ये ज़्यादातर मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, और मरे हुए जानवरों को खाकर एक तरह से ये सफाई का काम करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को साफ रखते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लेकिन गिद्धों के विलुप्त हो जाने की वजह से हमारा इकोसिस्टम ही असंतुलित हो गया है। गिद्धों की संख्या में हुई कमी की वजह से वर्ष 2015 तक पर्यावरण स्वच्छता के लिए करीब 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। भारतीय गिद्ध का परिचय। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो मरे हुए जानवरों के शवों को खाते हैं, और इसलिए पर्यावरण को साफ करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज से करीब 30 साल पहले गिद्धों की भारी संख्या होती थी जो धरती पर मर चुके पशु या जानवरों को खाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए दुर्गंध को फैलाने से रोकने में मदद करते थे। जब भी कोई जानवर या पशु मरता था तो उसका कारण कोई बीमारी होती थी जो मरने के बाद वातावरण में फैलकर हवा के द्वारा दूर दूर तक मानव को प्रभावित कर सकते थे। गिद्ध उनके शरीर को सड़ने से पहले ही खा जाते थे, जिससे वातावरण बीमारी रहित रहता था। गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में किया गया है, जहां रावण से माता सीता को बचाने के दौरान गिद्धों के राजा जटायु ने अपनी जान गंवा दी थी। आज भारत में गिद्धों की तेजी से कम होती आबादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। देश में गिद्धों की आबादी 60 मिलियन 1990 में थी, जो 2016 तक कम होकर 40,000 रह गई थी। लेकिन ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि अब तक ये संख्या 18,000 के आसपास ही रह गई है। 22 मार्च 2012 को ये घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश राज्य से गिद्ध समाप्त हो चुके हैं। गिद्धों की अलग अलग कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में इनका औसतन वजन 3.5 से 7.5 किलोग्राम के बीच होता है। लंबाई 75 से 93 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 6.3 से 8.5 फीट होता है। गिद्ध 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। गिद्धों से हमें लाभ क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस पक्षी के जीने या मरने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भला हमें इस भद्दे से दिखने वाले पक्षी की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन जैसा कि ये सड़े गले जानवरों को खाते हैं और उनके शरीर की दुर्गंध और उनके सड़ने से फैलने वाले बैक्टीरियाज की वजह से होने वाली बीमारियों से हमें ये पक्षी ही बचाते हैं, क्योंकि ये पक्षी इन मरे हुए जानवरों को खाकर वातावरण से इन जीवाणुओं को फैलने से रोक देते हैं। क्योंकि गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं और ये मरे सड़े गले जानवरों के शवों को खाकर मिट्टी में खनिजों की वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त मरे शवों को समाप्त कर वे संक्रामक बीमारियों को फैलने से भी रोकते हैं। गिद्धों के नहीं होने से आवारा कुत्ते और दूसरे पशुओं के द्वारा इन मरे हुए जानवरों को खा लेने से रेबीज जैसी बीमारियों के प्रसार को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में पारसी धर्म के अनुयायी अपने मृत शवों के निराकरण के लिए परंपरागत रूप से गिद्धों पर निर्भर हैं, इसलिए कई सदियों से भारत के पारसी धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारतीय गिद्धों की मौत के कारण। मुंबई नेचुरल सोसाइटी के विश्लेषण के अनुसार डाइक्लोफिनेक का पशु चिकित्सा में उपयोग भारत में गिद्धों के लिए मुख्य खतरा है। डाइक्लोफिनेक एक गैर स्टेरॉयड सूजन रोधी दवा है जो मांसपेशियों के दर्द के समय लगाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के जेलों, क्रीमों और स्प्रे का एक घटक है। यह दवा पशुओं पर भी समान रूप से प्रभावी होती है, और जब कामकाजी पशुओं को इसे दिया जाता है तो उनके जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और उन्हें अधिक समय तक कामकाजी बनाए रखता है। इसलिए पशुओं में दर्द निवारक के तौर पर डाइक्लोफिनेक का बड़े पैमाने पर प्रयोग भारत में गिद्धों की मौत की वजह है, क्योंकि गुर्दों को इस दवा को शरीर से बाहर करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी ये पशुओं के शरीर में मौजूद रहता है। क्योंकि गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं और इसलिए वे मृत पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर खाते हैं।
एक बार जब वे डाइक्लोफेनेक संदूषित मांस का सेवन कर लेते हैं तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। भारत में गिद्धों के लिए कीटनाशक प्रदूषण भी एक खतरा है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन DDT का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। गिद्धों के शरीर में ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है, जहां ये एस्ट्रोजन हार्मोन की गतिविधि को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप अंडकोश कमजोर हो जाता है, इससे अंडों की असामयिक सेने की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे भ्रूण की मौत हो जाती है। इंसानी शिकारियों के द्वारा हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण और भालू जैसे जंगली पशुओं के चमड़े, दांत, कस्तूरी सींग, शाखायुक्त सींग और बॉयल को निकालने के लिए जहरीले भोजन का सहारा लिया जाता है। जब जहरीला भोजन खाकर मरने वाले पशुओं के शवों को गिद्ध खाते हैं तो वे भी मर जाते हैं। भारत में गिद्धों को संरक्षित कैसे करें? गिद्धों का हमारे इकोसिस्टम से इस तरह से समाप्त होना गंभीर चिंता का विषय है। विलुप्ति के कगार पर पहुँचे इन पक्षियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। भारत में गिद्धों को संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। नंबर एक, डाइक्लोफेनेक का कारगर विकल्प विकसित करने और उपलब्ध विकल्प मेलाक्सिकम पर सब्सिडी देने की जरूरत है। नंबर दो, जंगलों में गिद्धों के, खासकर गिद्धों की विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की फिर से वापसी के उद्देश्य से ब्रीडिंग प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की आवश्यकता है। नंबर तीन, गिद्धों के लिए विषमुक्त भोजन, स्वच्छ पानी, बोन चिप्स और सुरक्षा एवं स्वतंत्रता हेतु तार से घिरे हुए खुली छत वाले बसेरों के माध्यम से गिद्ध फीलिंग स्टेशन की स्थापना करने की जरूरत है। नंबर चार, सरकार को पारसी शवदाह गृहों के पास श्रमों के अपवहन हेतु गिद्ध अभ्यारण्य बनाने चाहिए। पर्याप्त भोजन की उपलब्धता से गिद्धों की आबादी को बढ़ने में मदद भी मिलेगी। नंबर पाँच, DDT जैसे क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स के प्रयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। तो ये थे कुछ सुझाव जिनसे गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी करने में मदद मिल सकती है। भारत में तेजी से कम होती गिद्धों की संख्या गंभीर चिंता का विषय है और सरकार को इन मुर्दाखोर पक्षियों के संरक्षण के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण साफ सुथरा बना रह सके और रेबीज या फिर रेबीज जैसी अन्य घातक बीमारियों से होने वाली मौतों से बचा जा सके।